नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। देखिए, अब आया हमारे पास कल हमने एक्सरसाइज ये 10th सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवा चाहिए। थर्ड पार्ट का जो वीडियो है वो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे करके थर्ड क्वेश्चन का लिंक से जो है आप उसको थर्ड क्वेश्चन वहां से फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट सेकेंड उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, उसमें है साइन 30 टेन 45 माइनस कॉसेक 60 sec 30 प्लस cos 60 और cot 45। अब इनके वैल्यू देखिए, वैल्यू की भी ऑलरेडी मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है उनकी सबकी फॉर्मूला वीडियो बना चुके, आप वहां भी देख सकते हो। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 1/2, tan 45 1 होता है, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, sec 30 होती है 2/√3, cos 60 होती है 1/2 और cot 45 1। ये सारे वैल्यू रखेंगे, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1 पल माइनस, यहाँ पर माइनस है, और cosec 60 होती है 2/√3। फिर उसके बाद ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन ले लीजिए आप। उसके बाद है sec 30, ये अलग सा रख दिया मैंने, sec 30 की वैल्यू है कितनी 2/√3 है, और cos 60 की वैल्यू आपकी है 1/2 और cot 45 है 1। ये जो है एक ब्रैकेट में मतलब नीचे वाला है, ये नीचे वाले का है, ये वाला नीचे वाले की। अब इनका क्या करना है, ये ऊपर वाले का क्या करेंगे आप, न्यूमेरेटर वाले जो पार्ट है डिनोमेटर वाला पार्ट है, न्यूमेरेटर वाला पार्ट क्या आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ओके, 2 की टेबल में क्या लिखा, 2/√3 है, ये 2 और 1 और 3 है तो 2/√3 लिखेंगे आप, 2/√3। अब देखा 2 की टेबल में ये इसमें करेंगे 2/√3 में 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आपका बचा है, √3 ऊपर आ जाएगा, √3 प्लस यहाँ पर पूरा आ जाएगा, 2/√3 पूरा आ जाएगा, यही नंबर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में माइनस है, माइनस ये √3 से √3 2/√3 ओवर ये 3 है, यहाँ पर क्या है, ये 2/√3 है, √3 की टेबल पढ़नी है तो ये कैंसिल होगा, 2 बच रहा है, उस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड का साइन है, यहाँ पर डिवाइड है, ये डिनोमेटर वाला पार्ट है, इसमें भी एलसीएम ले लीजिए आप, 2/√3 हुआ यहाँ पर, पहले वाले में क्या हो गया 4, दूसरे वाले में क्या हो गया, ये 2/√3 है, 2/√3 2 से 2 कैंसिल तो √3 हुआ, और तीसरे वाले में 2/√3। ठीक है, अब ये और ये दोनों ऐड कर लोगे आप, ये दोनों ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 3, ये 1/√, ये 1 है 1/√1 और ये 2 हो तो 3/√3 हो गया, 3/√3 हुआ, ये आपका 3/√3 हुआ, 3/√3 और यहाँ पर -4 और ये डिवाइड 2/√3 और ये डिवाइड बाय इसका भी क्या हो गया, ये यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, ये वाला ये 4+3 ये हो गया 3/√3 और यहाँ पर ये 2/√3 लिखा है, 2/√3 लिखा है सॉरी। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो गया, ये इसको भी प्लस है 3/√3 -4 ओवर 2/√3 रेसिप्रोकल 2/√3 ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे हुआ इसको 4 को बाद में लिख लीजिए आप 3/√3 +4 ये रेसिप्रोकल में कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हुआ आपका, अब ये फॉर्मूला के लिस्ट हमने साफ कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब ये हो गया आपका, देख रहे ये कैंसिल हो गया, अब ये रह गया आपको 3/√3 -4 और नीचे 3/√3
प्लस फोर। अब इसका जस्ट का पोजिटिव ये जो साइन होता है इसके जस्ट का पोजिशन मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जस्ट का पोजिशन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। इस स्पेस की कमी को जैसे इधर करते हैं इसको, अब इसके आगे नेक्स्ट से ऊपर से यहाँ पर है, इसको यहाँ ले जाते हैं, क्या रह गया ये थ्री अंडर रूट थ्री माइनस फोर और थ्री अंडर रूट थ्री प्लस फोर। इसका जैसा पोजिशन मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल से जो है ऊपर नीचे, इसका जो है मतलब ये माइनस साइन से क्या करेंगे न्यूमेरेटर और डिनोमेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया थ्री अंडर रूट थ्री क्या करेंगे यहाँ पर माइनस फोर वन, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर रहा है किस से, नीचे वाले का जो डिजिट है उसका माइनस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे किस से, मल्टीप्लाइंग बाय थ्री अंडर रूट थ्री माइनस फोर इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमीटर, न्यूमेरेटर एंड डिनोमीटर, ठीक है। न्यूमेरेटर और डिनोमीटर में डिवाइड जो है क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या चीज है ए माइनस बी, ए माइनस बी है, यहाँ पर ये दो फॉर्मूले लगेंगे इसमें, एक ए माइनस बी और ए माइनस बी है, दो फॉर्मूले हैं, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला ए सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाले में ये वाला फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, थ्री अंडर रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर, और नीचे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह ये लिख लो आप, ए की जगह इसको लिख सकते हो थ्री अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर, इसको बी मान लीजिए, बी को फोर लीजिए, इसको बी ले लो, इसको ए लो, इसको आपने ए लिया, इसको आपने बी लिया, ठीक है ना, इसको बी माना तो ए और बी ले लिया, इसको इसको ए इसको बी मान लिया, ठीक है। तो ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है उसका, ए स्क्वायर थ्री इसके स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, टू मल्टीप्लाई थ्री अंडर रूल थ्री मल्टीप्लाई फोर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा थ्री का ये हो गया थ्री ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो गया ये ए स्क्वायर थ्री अंडर रूल थ्री को तीन बार दो इसको भी थ्री दो बार मल्टीप्लाई किया, थ्री का स्क्वायर दो बार अंडर रूल थ्री अंडर रूल दो बार कर लिया अंडर रूल थ्री दो बार, ठीक है। और ये हो गया फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो गया, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हुआ। अब ये देखा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हुआ है, थ्री क्या हो गया इसको थ्री अंडर रूल थ्री को दो बार मल्टीप्लाई किया, थ्री अंडर रूल थ्री होल स्क्वायर मीन्स हो गया थ्री मल्टीप्लाई अंडर रूल थ्री मल्टीप्लाई अंडर रूल थ्री, ये तो हो गया थ्री और ये थ्री थ्री ये नाइन हो गया, नाइन मल्टीप्लाई थ्री रूल ट्वेंटी सेवन, पहला वाला आ गया ट्वेंटी सेवन, पहला वाला क्या है आपका ट्वेंटी सेवन टू सेवन ट्वेंटी सेवन, और दूसरा वाला सिक्सटीन और माइनस टू थ्री या सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर वही ट्वेंटी फोर अंडर रूल थ्री, और नीचे हुआ आपका थ्री थ्री ये हुआ आपका थ्री 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 या नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन, ये थ्री ट्वेंटी सेवन हुआ और ये माइनस सिक्सटीन हुआ। अब ये देखिए आप इसमें तो ये माइनस करेंगे इलेवन हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ट्वेंटी सेवन और सिक्सटीन ऐड करो फोर्टी थ्री, ये आ गया फोर थ्री फोर्टी थ्री माइनस चौबीस ट्वेंटी फोर अंडर रूल ऑफ थ्री, ये आंसर है पूरा आंसर हो गया, ठीक है। फोर्टी थ्री माइनस टू फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी फोर अंडर रूल थ्री ओवर इलेवन, ये पूरे का आंसर हुआ कम्प्लीट। हमारे पास फाइव कॉस स्क्वायर सिक्सटी प्लस फोर सेक स्क्वायर थर्टी माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थर्टी प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी, देखिए वैल्यू है आपका कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन अपॉन टू सेक थर्टी, सेक थर्टी की वैल्यू है टू अपॉन अंडर रूल थ्री, टेन फोर्टी फाइव वन साइन थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन टू कॉस थर्टी अंडर रूल थ्री ओवर टू, ये सारी वैल्यू रखी है टाइम रखा फाइव कॉस स्क्वायर लिखा है तो कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन टू,
इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू होती है 2.3 √3, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए माइनस 8 tan 45 का होल स्क्वायर कर लीजिए 1 का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय, ये डिवाइड बाय है, ये डिनोमीटर में क्या है, डिनोमीटर वाला पार्ट देखिए, डिनोमीटर है साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस की वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर, ये डिनोमीटर वाला पार्ट है साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए आपका 1/2 को दो बार देखेंगे 5 × 1/4 हो गया, ये 2/4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3/3 दो बार मल्टीप्लाई होगा और 1 का ये स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे होगा 1/2 को दो बार लिखा तो 1/2 1/4 हो गए, 3 को दो बार लिखा 3 × 3 तो 3 हो जाएगा ये, और यहाँ 2 है मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 × 2 यह हो गया 5/4 प्लस 16 ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ये माइनस 1 और ये डिनोमीटर वाला पार्ट हमने यहाँ पर लिख लिया 1/4 प्लस ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ 3 है 4 है। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 × 4 = 4, 3 × 12 = 5, 3 × 15 = 4, 3 × 12 थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 4, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 4 से 64 हो गया ये 64 और यहाँ पर माइनस 12 आएगा, ये डिवाइड बाय, यहाँ पर एलसीएम तो वही है, ये 4 हुआ 1 + 3, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या हो गया, ये 64 में ऐड करो, 64 + 15 कितना हो गया 9 79 हो गया, ये हो गया आपका 79 हो गया, ये क्या हो गया 79 हो गया, ये नीचे का ये ऊपर ये हो गया 79 हो गया, माइनस 12 डिवाइड बाय यहाँ 12 है, अब ये हो गया डिवाइड बाय यहाँ प्लस 4 है 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1 हुआ, ठीक है। 79 में से 12 माइनस करना है तो ये क्या होगा 7, यहाँ 67 तो यहाँ हो गया 67/12 डिवाइड बाय 1 है वो तो उतना ही होता है 67/12, ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का 67/12 हुआ, ठीक है ना, ये पूरा हुआ, ये मल्टीप्लाई किया यहाँ हुआ, ये 64 हुआ, फिर ये जो है दोनों ऐड हुआ यहाँ पर 1 ये जिसमें डिवाइड हुआ, ये 67/12 वही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। यहाँ तक आज का क्वेश्चन कम्प्लीट, आशा करता हूँ वीडियो ज़्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब या लाइक जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।